तो इस रम कार्ड में यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। यह यहाँ पर दो नए अपडेट आए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भारत के बारे में और दूसरा यहाँ पर ग्रामीण आवास योजना के बारे में, यानी कि जो घर बनाने के लिए जो यहाँ पर स्कीम मिलता है उसमें जो 1,20,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट मिलता है, तो यानी कि इंदिरा आवास वगैरह के लिए, तो उन सभी का यहाँ पर एक नई अपडेट आई है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें आपको ई श्रम कार्ड से आपको इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो इसमें दो नया अपडेट आया है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है इस वाले वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर वेबसाइट पर चले आएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जाना है, पहले हिंदी टैब यहाँ से कर लें यहाँ से, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हिंदी कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी हो गया। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ऊपर में यहाँ पर एक लिखा योजनाएं, यहाँ पर योजनाएं में आने के बाद यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर योजनाएं हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप योजना सुरक्षा कल्याण, इस पर क्लिक करेंगे सामाजिक सुरक्षा कल्याण वाले पर। यहाँ पर आप देख पाए कि जितने भी सारे आप जो ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो लाभ मिलने वाले हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि आपको लाभ मिलने वाला है क्या क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना यहाँ पर दिया गया, जिसमें यहाँ पर लिखा है स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी को प्रवेश आयु आधार पर मानसिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है, जिसमें इस योजना के तहत लाभार्थी का 50% अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर योगदान दिया जाता है। इसमें यहाँ पर पात्रता है, इसका क्या क्या रूल नियम है यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, और इसका रूल में इसका आपका लाभ क्या मिलने वाला है यहाँ पर आप पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर रीड कर लेंगे, रीड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है दुकानदार व्यापार निवेश NPS व्यापारी के लिए यहाँ पर लाभ दिया गया। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी बारे में यहाँ पर लाभ दिया गया है, जो यहाँ पर पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए और आपको उसके अनुसार आपको लाभ क्या मिलने वाला है। यहाँ पर बताया कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष आयु होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ जन्म बंध या बचत खाता होना चाहिए, बैंक खाते में ऑटो डेबिट होगा जिसमें 330 रुपये प्रति वर्ष दर से प्रीमियम होगा, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए यहाँ पर मिलेगा। नोट में यह योजना वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बैंकों से उपलब्ध कराई गई है। साथ में और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जिसे PMSBY जिसे बोला जाता है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया, 12 रुपये प्रति महीना कटेगा, जिसमें आपको 2 लाख रुपये का यहाँ पर अंशदान दिया जाएगा। यहाँ पर अटल पेंशन योजना दिया गया, जो यहाँ पर डिटेल दिया गया इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा और यहाँ पर आपको दिया गया क्या होगा, इसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर बहुत सारे इस तरह का दिया गया है। तो मैं यहाँ पर जो मेन योजना था, जो लाभ मिलने वाला था, जो नया अपडेट आया है, तो मेन नया अपडेट यही आया है यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो PMAYG है, जो पात्रता यहाँ पर होना चाहिए भारतीय नागरिक होना चाहिए यहाँ पर, और कामगार सहित कोई परिवार में 15 से 59 साल की आयु के बीच कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कोई काम नहीं करना चाहिए इसमें। इसके बाद यानी कि सरकारी सेवा में कोई काम नहीं होना चाहिए तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशुल्क सदस्य एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं, जिनके पास कोई भी अस्थायी नौकरी नहीं है वे केवल श्रम में संलग्न होंगे, यानी कि जिनके पास जॉब नहीं होगा सरकारी जॉब वो इसकी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पेमेंट यहाँ पर दिया गया। लाभार्थी को मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 की सहायता प्रदान किया जाएगा, जो घर और बनाने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप दूसरा यहाँ पर लाभ देख सकते हैं। दूसरा लाभ ये वाला था यहाँ पर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जो जिसको ABPMJAY बोला जाता है, जिसमें ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 तक के आयु में भीतर कोई व्यक्ति पुरुष कमाऊ सदस्य नहीं है, यानी कि जो जॉब नहीं करता हुआ सरकारी जॉब, उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि कच्ची दीवारों और छत वाले कमरे को भी रहने का परिवार के लिए भी मिलेगा लाभ। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु में भीतर कोई सदस्य नहीं है, इसके बाद एक परिवार में जिसमें स्वस्थ व्यस्त सदस्य न हो, एक विकलांग सदस्य, महिला ढोने वाला सदस्य, सब मतलब उनको भी लाभ मिलेगा। जिसमें भूमिहीन परिवार जो अपने परिवार की आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाते हैं
उनको भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ पर लाभ का यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय और तृतीय देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार वर्ष 5 लाख रुपये प्रति तक का निःशुल्क योजना का लाभ मिलेगा। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर आपके परिवार में कोई भी अगर आदमी बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए आपको सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं हॉस्पिटल में आपको आयुष्मान कार्ड अगर बना हुआ होगा तो उसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये का यहाँ पर आपको मुफ्त इलाज होगा। यानी कि 5 लाख का जितना भी आप 5 लाख के अंदर में जो भी आपको काम होगा उसमें 5 लाख का इसमें छूट दिया जाएगा, आपको कोई भी एक भी रुपया नहीं लगाया जाएगा उसमें। तो यही थी नया अपडेट आया था ये वाला, एक प्रधानमंत्री आवास योजना का और दूसरा आयुष्मान भारत योजना का, ये नया नया अपडेट था। जो व्यक्ति आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाएंगे तो बनवा लेंगे आयुष्मान कार्ड जल्दी, जिससे आपको 5 लाख तक का यहाँ छूट दिया जाएगा। और जो श्रम कार्ड नहीं बनाएंगे वो श्रम कार्ड बनवा लेंगे। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, जितने भी फ्रेंड होगा सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।